रामपुर के मिलक खानन अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटित हुई थी जिसमें चौधरी जमुना दास इंटर कॉलेज माटखेड़ा रामपुर के अध्यापक छत्रपाल सिंह द्वारा सिख समाज के गुरु की वाणी को अपने ऊपर लागू किया था, जिसको लेकर सिख समाज के लोगों में रोष पनप गया। अध्यापक ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते समय सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के नारे 1.25 लाख से एक लड़ाऊ को अपने नाम के साथ जोड़कर कहा था कि 1.25 करोड़ से एक लड़ाऊ गीदड़ को मैं शेर बनाऊ, तभी छत्रपाल सिंह अम्बेडकर नाम कहा हूं कहा था, जिससे सिख समाज के लोग भड़क गए थे। इस मौके पर सतनाम सिंह मट्टू एडवोकेट ने बताया कि रामपुर के मिलक खानन में एक चौधरी जमुना दास स्कूल है जिसको एक प्रबंध कमेटी चलाती है, वहां पर एक छत्रपाल के नाम से अध्यापक के पद पर तैनात है। उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जो 2 वर्गों को बांट सके। उन्होंने पहले भी कई बार गलत टिप्पणियां की है और उन पर मुकदमे भी हो चुके हैं, उसके बाद भी उनके अंदर कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने रामपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अध्यापक को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। अधिकारी जी से मिलने आए थे आप लोग? देखिए जी, रामपुर के मिलक थानम में माटखेड़ा में एक चौधरी जमुना दास इंटर कॉलेज है जिसको एक प्रबंध कमेटी चलाती है और जो सरकार द्वारा पोषित है। उसमें जो टीचर्स हैं उनमें से एक टीचर श्री छत्रपाल सिंह अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने अनेकों ऐसे लेटर लिखे हैं, ऐसी चिट्ठियां लिखी हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, जो 2 वर्गों के बीच में कटुता फैलाते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कई बार अल्पसंख्यक समाज और सिखों के आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, सिखों के गुरुओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की हैं। इस पर उन पर पहले भी मुकदमा हुआ था 2016 में, फिर अब मुकदमा हुआ है। वो जेल से आए हैं और जेल से आने के बाद फिर से सिखों और सिखों के धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक गुरुओं को लेकर अनुचित गलत टिप्पणी कर रहे हैं और इसका हम आज सब विरोध करते हुए जिलाधिकारी के पास आए हैं। हमने उस टीचर को निलंबित करने के लिए रिक्वेस्ट की है और हमने ये भी कहा है कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए, इसे सस्पेंड किया जाए और इन पर उचित धाराओं में फिर से मुकदमा लिखा जाए। उन्होंने प्रशासन को कुत्ता बोला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फांसी पर लटकाने के लिए बोला है और उस छत्रपाल सिंह अम्बेडकर ने यकून मेनन और अफजल गुरु को फांसी देने वालों को भी फांसी पर लटकाने के लिए बोला है। ये सब देशद्रोह में आता है। क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है कि मैं कमेटी सीडीओ साहब की देखरेख में बनाऊंगा, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।